दूध कहाँ है? दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया। क्यों? वो कहता है पहले के दूध के कर चुकाओ। तो चुका देता। कहाँ से चुका देता? आपने पैसे दिए थे? और मैं कोई कमाता नहीं हूँ जो जाके पैसे दे दूंगा। तो 20 साल का हो गया है, क्यों नहीं कमाता है? किसने मना किया है? इतना बड़ा हो गया अपने बाप के दूध का कर नहीं चुका सकता। पहले आप अपना फर्ज निभाओ। निभा रहा हूँ, बाप का भी और माँ का भी। घंटा माँ का फर्ज निभा रहे हो? अरे मैंने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं। हे माँ, तुम मुझे छोड़ गई, मुझसे मुंह मोड़ गई। हे भगवान, तू मुझे छोड़ गई, मेरी किस्मत तोड़ गई। मैं तो सुअर का बच्चा हूँ, फिर भी कितना अच्छा हूँ। कौआ फिर से बोला। क्या है? गेट खोल, मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा गेट खोल दोगे तो हाथ न दुख जाएगा। कौन? हेलो हेलो अंकल, एक मिनट। ये माँ की तस्वीर उल्टी क्यों टांग रहे हो? अरे तू अपना काम कर, चल जा चल जा। सठिया गए हो लगता है, जल्दी जा जल्दी जा। मैंने नया घर लिया है आपके पड़ोस में, जो खाली पड़ा हुआ था। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। तो एक्चुअली मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मुझे आपका किचन यूज़ करना था। तो मैं किचन का सामान, चाय का सामान ले हूँ आपके यहाँ चाय बनाने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हैं आप पड़ोसन है हमारी, हैं सामान आप लेने जाएंगी, हमको लज्जा नहीं आएगी। आइए आइए अंदर आइए। नहीं खामखा आपको क्या परेशान करूँ मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लिए बनाने जा ही रहा था, चाय तो आपके लिए भी बना दूंगा। आइए 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 आइए। क्या बैठिए। अरे उधर उधर बैठ जाइए आराम से। पप्पू, अरे पप्पू यहाँ आओ।
तुम्हारी नई आंटी पड़ोस सुनाने आई है। आंटी नहीं ट्विंकल, हाय। मेरा रियल नेम है राज और मुझे बड़ी खुशी हुई मिलके आज। क्या है? चाय बनाकर ला। आज सुबह कुत्ता दूध पी गया। खैर छोड़, दूध बाद में आ जाएगा, तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। जा जा। वैसे ये कौन है? ये मेरा नौकर है, पेटे जैसा फाला है, आपके पेड़ के नीचे मिला था बेचारा। तभी आम जैसा स्वीट है। तब खट्टे थे। What? मतलब तब आम खट्टे थे जब मिला था। वैसे आप भी बहुत स्वीट बातें करते हैं। नहीं, हम तो पके हुए हैं ना। कुछ ज्यादा ही आप पके हुए हैं, दिख रहा है मुझे। खैर छोड़िए। बहुत जल्दी आ गए? हाँ, बना रहा था। क्या? जब आप यहाँ बना रहे थे तब मैं वहां बना रहा था। सब सुन लिया मैंने जो आप बता रहे थे। इट्स ओके, आपके फादर जैसे ही तो है, कोई बात नहीं। मेरे फादर जैसे ही हैं? नहीं तो मेरा रियल फादर तो बहुत बड़ा सुअर निकला, मुझे आम के पेड़ के नीचे छोड़ के चला गया था। अरे नहीं, अपने फादर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे मैं सुअर का बच्चा हूँ, तब भी इतना अच्छा हूँ। मुझे अपने घर में पेंटिंग के लिए पेंटर की जरूरत है, तो आप किसी पेंटर को जानते हैं? अरे पेंटर की क्या जरूरत है, हम लोग पेंट कर देंगे ना, हमने अपना घर खुद ही पेंट किया है। ऐसी क्या बात है, हम आपका घर भी पेंट कर देंगे। ओके, तो आप अपने नौकर को भेज दीजिएगा। हाँ, हम दोनों आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। ओके, तो मैं चलती बापू, एक बात बताओ। बाप को नाम से बुलाता है? मैंने कब आपको आपके नाम से बोला? खैर छोड़। बापू, मेरी उम्र अब शादी की हो गई है। अच्छा, वो जो मेरे घर आई थी उनका नाम ट्विंकल जी है ना? ट्विंकल ट्विंकल मेरी जान। बक, ऐसे नहीं गाते बेटा, ऐसे गाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अरे आपको तो बड़ा पता है, तेरी उम्र यही गाने की है। तो आपकी कौन सी उम्र है ये सब गाने सुनने की? हाँ पता है, जा रहा हूँ। बुढ़ोती में जमानी फड़फड़ा रही है। अरे बापू, फिर बापू को बाप के नाम से बुलाया? बापू को बापू के नाम से ना बुलाऊं तो किस नाम से बुलाऊं? है छोड़, तू बोल। अरे आज ट्विंकल जी के घर चलना है ना, उनकी हेल्प करने, उनका घर पेंट करने। ट्विंकल जी नहीं, ट्विंकल आंटी बोल, तेरी माँ की उम्र की है। माँ की उम्र की है? आज सुबह सुबह भांग खाया हो क्या? भांग नहीं, डाय जाले क्या? लेके आ, लेके आ। इस उम्र में जवानी फड़फड़ा रही है, भगवान भला करें इस बुढ़ऊ का। जा लेके आ।
यार दो मंजिले पे घर है यार। बुढ़ौती में ताकत कहाँ लगती है। आपने बुलाया, देखिए हम सही टाइम पे आ गए। थैंक यू सो मच। अब जरा ये पेंटिंग वाला काम बचा हुआ है, इसको आप संभाल लीजिए आप लोग। मुझे किसी को पिक करने जाना है, तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बापू, यहाँ तो मैं, आप और आपकी बहू ट्विंकल जी रहेंगे। वो सब तो ठीक है, बहू नहीं तेरी माँ, माए तू और तेरी माँ। माँ? हाँ माँ, वही थी ना ट्विंकल जी। अरे वो तुम्हारे बेटी की उम्र की है, थोड़ा शर्म करो। शर्म? तेरी माँ की उम्र की है, शर्म क्यों करूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है, 40 साल। उसकी आंखें भी हैं कंजी। 40 साल? अच्छा 45। ये मुंह और मसूर की दाल। चुप कर, चल मिलके घर का काम लगाते हैं, ठीक? चलिए काम लगाते हैं आपका। पहले बताओ ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड। हस्बैंड? तो पहले क्यों नहीं बताया? तो आपने कौन सा बता दिया था कि आपकी शादी हो गई है और मैं आपका बेटा हूँ? और मैं नहीं मिला था आम के पेड़ के नीचे, ये मिले थे आम के पेड़ के नीचे मेरी दादी को। हाँ मैं तो वहाँ पैदा हुआ था ना जहाँ आम का पेड़ था, तू तो वहाँ पैदा हुआ था जहाँ आम का पेड़ भी नहीं था। इन सब का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये हॉस्पिटल पैदा हुआ था, तो मतलब जहाँ मैं मिला था वहाँ आम का पेड़ था, इसलिए मैं आम आदमी नहीं हूँ। जहाँ ये पैदा हुआ था वहाँ आम का पेड़ नहीं था, इसलिए ये आम आदमी है। इससे ये सब अरे कुछ भी, मतलब कुछ भी। ये आदमी स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है क्या? कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ बोलता है। और ये बाबू राव जैसे क्यों बात कर रहा? हाँ तो मैं बाबू राव का छोटा भाई, बाबू राव। आपने मुझे इतने सालों से अंधेरे में रखा कि मेरे एक ताऊ भी हैं जिनका नाम बापूराव है। हाँ तो इसने भी कहाँ बताया कि ये शादीशुदा है? वो ये सारी बातें मेरे ऊपर क्यों आ जाती हैं? और मैं क्यों बताऊँ आपको कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? और मेरा आपसे क्या लेना देना? मैंने आपसे थोड़ी सी हेल्प क्या मांगी? ये बुड्ढा तो मेरे सर पे चढ़ गया, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा तो अब हेल्प क्यों? तो लाओ 500 रुपए हमें दिवाली, 500 इसका, 500 मेरा। अरे ये कौन है जो इतना फड़फड़ा रहा है? अरे अभी तो बोला ना बापू राव, बाबू राव का छोटा भाई। तभी तू इतना फड़फड़ा रहा है, बुझने वाले दिए के जैसा। तू ये सस्ते शाम से शादी किया रे? चल शराब, ये शाम नहीं राहुल है। अब ये क्या है? दिहाड़ी। ये तो 2000 है। ले जा, चल निकल। ओह नो, निकल यहाँ से, निकल। अरे ठीक है, चल पर डिस्काउंट नहीं मांगता। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। साला सुपर डियर। हाँ
खामखा इतने सपने देख लिए थे। सपने काहे के तूने देखे थे, सपने तो मैंने देखे थे। इतने सालों से सूखी रोटी खा रहा हूँ, जब तक तब सूखी रोटी, सुबह नमक और सूखी रोटी, दोपहर में नमक और सूखी रोटी, रात को नमक और सूखी रोटी, सूखी रोटी खा खा के मेरा पेट सूख गया है। डायलॉग कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अरे हीरो नंबर वन का है। चलो, ये आपकी सच में स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है क्या? कभी कुछ कभी कुछ। भगवान बचाए इस आदमी से।